गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है सभी के लिए, जो इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो भी स्टूडेंट आने की इच्छा रखते हैं साइप्रस में, उसके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो में बताऊंगा मैं गाइस आपको कि साइप्रस में बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हो गए अभी। जैसे कि आप लोग पहले आ जाते थे आराम से, तो नहीं आ सकते अभी। इंग्लिश का टेस्ट एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसमें 5.5 बैंड भी आने कंपल्सरी है। पहले क्या होता था कि पहले आप ये फेक वगैरह भी बनवा लेते तो चल जाता था, लेकिन अभी नहीं चलता ये। अभी इस सेमेस्टर में, अक्टूबर सेमेस्टर में, कम से कम 150 से ज़्यादा फाइलें अभी होल्डिंग पे है, बिकॉज ऑफ जो तुम्हारा एग्जाम का एक टेस्ट होता है जो फेक होता है, उसकी वजह से सर्टिफिकेट। तो ये आपको कंपलसरी है कि आप ही कहीं हो, तो मैं आपको मेंशन करूंगा इसमें। कुछ 7-8 टेस्ट होते हैं, आप किसी में भी दे सकते हो। टॉफिल हो गया आपका, आईलेट्स होगी आपका, या फिर पासवर्ड स्किल टेस्ट वगैरह। तो मैं आपको एक नीचे उसका फोटो दूंगा कि आप इनमें से किसी का भी एग्जाम देके आप आराम से 5.5 बैंड लेके आ सकते हो। तो गाइस, अगर किसी का भी वीजा होल्ड पे, तो टेंशन तो ना करें, क्योंकि आपको सिर्फ उसी एग्जाम की वजह से आपको आपका वीजा होल्ड पे रखा हुआ कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने, जो भी है, या फिर जिसका भी वीजा आया है वो सिर्फ इसी वजह से आया कि उसका ओरिजिनल होगा वो, या फिर वो फेक तो नहीं हो सकता। अगर फेक होगा ऑफ कोर्स वो होल्ड पर डाल दे, फिर रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप डायरेक्ट इंडिया से या किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हो डायरेक्ट अपने थ्रू बाय योरसेल्फ, अगर आपका कोई भी ऐसा सिस्टम होता है ना, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है और आपके पैसे भी रिफंड नहीं होते। अगर किसी भी एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो एजेंट का होल्ड होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो लोग पैसे रिफंड करवा देते हैं कुछ परसेंट काटने के बाद उसकी फीस का, अगर तुम्हारे पेपर वगैरह कोई फेक निकल जाता है, या फिर तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम का जो सर्टिफिकेट है वो फेक होता है, तो तुम्हें दोबारा उसके लिए टाइम दे देते हैं कि भाई तुम्हारा हॉल्ट पर डाल देंगे वीजा। जैसे कि तुम क्लियर करोगे एग्जाम अपना, तो तुम दोबारा से तुम्हारा वीजा प्रोसेसिंग हो जाएगा। और भाई, मुझे बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी आते हैं कि भाई कि हम डायरेक्ट आपकी कंपनी में, डिलीवरी कंपनी में मैं डायरेक्ट आके आपका वीजा है। भाई, साइप्रस का कोई डिलीवरी कंपनी वगैरह में वीजा नहीं लगता है वो, उसको हम सिर्फ रिफ्यूजी होते हैं जो आके साइप्रस में रिफ्यूजी ले लेते हैं, असलम सीकर्स जिसको बोलते हैं, सर्च कर लेना गूगल पे, या फिर हम स्टूडेंट्स को, या फिर यहाँ पे आके कोई यूरोपियन जो शादी वगैरह कर लेते हैं उसको हम हायर करते हैं, ना कि हम कोई वीजा कंपनी वाले वीजा नहीं लगा के देते हैं। कोई भी कंपनी नहीं लगा के देती वीजा डिलीवरी वाली। तो अगर आप कहते कि मैं इंडिया में जोमेटो में काम करता हूँ, या फिर कहीं में तालाबेत में काम करता हूँ, कि दुबई वगैरह में, सऊदी में, कि भाई मैं साइप्रस में आना चाहता हूँ, भाई वो वीजे के ऊपर तो नहीं आ सकता। उसका प्रोसीजर होगा, अगर स्टूडेंट आएगा तो हम उसको रख लेंगे, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होंगे हम उसके बेस पर रखेंगे, ना कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट आ जाते हैं 1-2 महीने के बाद वो बोलते हैं कि बीजी हमें काम पे रख लो, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको काम पे रखने के लिए हमारे लिए, क्योंकि जो डिलीवरी का काम है वो सारा का सारा सड़क पे होता है, और सड़क पे पता ही आपको सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का बहुत आपने सुना होगी कहावत भी। तो रिस्क नहीं लेना चाहते, ना कंपनी लेना चाहती रिस्क, ना राइडर को रिस्क लेना चाहिए। बाकी उसको काम वगैरह मिल ही जाता है आराम से, 1-2 मंथ के अंदर अंदर काम मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं पे क्लीनिंग का हो गया, फिर पेट्रोल पंप पे हो गया, कार वॉश का हो गया, कहीं भी मिल ही जाता है काम। तो काम की रेस्टोरेंट में किचन हेल्पिंग का वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो काम के लिए तो आप टेंशन ही ना करें, क्योंकि अगर काम करने वाला बंदा होगा काम ढूंढ ही लेगा वो। कुछ दोस्त वगैरह बन गए तो वो भी इसमें बड़ी हेल्प कर जाते हैं। अभी साइप्रस में एक ग्रुप बना हुआ है वर्क के रिलेटेड ही है वो, उसमें लोग पोस्ट करते रहते हैं एवरी डे कि भाई मुझे मेरे पास इतना काम है, मुझे लड़की चाहिए या मुझे लड़का चाहिए, पार्ट टाइमर या फुल टाइमर, जो भी आप वहाँ से भी उसको काम को ढूंढ सकते हैं आराम से। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी है अपना, ये मत सोच के कि भाई मैं जाती है 1,200-1,500-2,000 यूरो कमाऊंगा, लेकिन ना किसी की किस्मत है कि वो कमा भी सकते हैं। ये जैसे ये बंदा बैठा है, देखो ये बंदे को बैठे हुए को अभी सिर्फ इसको गाइस 4 महीने हुए, 4 महीने ये कश्मीर से है, और इसको देखो कुर्सी की जॉब कैसे मिली हो गाइस। ये हर किसी की अपनी अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, और कुर्सी की जॉब 6 महीने में, बाकी कुर्सी की जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है साइप्रस में, क्यों ना मान? बिल्कुल, कुर्सी की जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है गाइस साइप्रस में, लेकिन अगर मिल जाए तो आपका बेस्ट है आपके लिए, आपकी किस्मत अच्छी है। और गाइस, अभी सर्दियां शुरू होने वाली है साइप्रस में, जिस किसी का भी वीजा अगर आया है साइप्रस का, तो वो अपना सर्दियों के कपड़े यहाँ पे लेके आए, क्योंकि यहाँ पे बारिश जो होती है वो सिर्फ सर्दियों में होती है, गर्मियों में कोई बारिश नहीं होती, और ठंड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बात करें तो लिमासोल की, तो यहाँ पे गाइस 1 डिग्री 0 डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पास में यहाँ पे हिल्स है, तो माउंटेन्स है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बर्फ वगैरह होती है।
तो बाकी किसी और सिटी में रहते हैं आप तो उधर भी होता है गाइस, ठंड तो यहाँ पे होती ही होती है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर, तो अपनी जैकेट वगैरह अपने। हाँ अगर आप इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं, सॉरी गाइस मैं इंडिया का नाम ले रहा हूँ ज्यादा, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आप इनर लेके आए, जो नीचे गर्म बनियान होते पहनने के लिए, पजामी और लेके आए जो नीचे पैंट के नीचे पहनने के लिए होती है, क्योंकि अगर आप साइप्रस में तो मिलती है चलो, लेकिन वो लोग ऐसे यूज नहीं करते हैं। और जितने भी ज्यादा मोटे कपड़े वगैरह लेके आए सर्दियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है गाइस। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है सर्दी से तो फिर वो नहीं आए, फिर तो कश्मीर में जाएंगे लोग। कश्मीर से भी, कश्मीर जैसी सर्दी होती है, कश्मीर में बर्फ ज्यादा होती है लेकिन वहाँ पे ठंड नहीं होती इतनी, लेकिन यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, बर्फ वगैरह कम होती है लेकिन ठंड ज्यादा होती है, यहाँ पे हवा की ठंड होती है सारी। तो कुछ ऐसे भी लेके अपना रेनकोट जरूर लेके आए अपना, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश, पाकिस्तान से अपना रेनकोट जरूर लेके आए, क्योंकि रेनकोट यहाँ पे मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और क्योंकि अगर आप कहीं भी काम करोगे, डिलीवरी का काम करोगे, आप कहीं भी आप ऐसी जगह पे काम करोगे, रेनकोट तो आपको जरूर पड़ ही जाएगी उसकी कहीं ना कहीं पे, तो रेनकोट वगैरह लेके आएंगे अपना। तो बाकी कपड़े सर्दियों के मैंने बोल ही दिया है। और यहाँ पे लोग ज्यादातर टी शर्ट्स पहनते हैं, पैंट और टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह, कोई यहाँ पे शर्ट वगैरह बहुत कम चलती है, अगर हमारे इंडिया में तो सब लोग शर्ट ही पहनते हैं मोस्टली। बाकी टी शर्ट है यहाँ पे ज्यादा चलती है, टी शर्ट जो हाफ हाफ स्लीव्स होती है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दियों में टी शर्ट पहनेंगे ऊपर से जैकेट पहन के चल देंगे वो लोग ऐसे ही। तो गाइस ये यहाँ की मेन चीज यहाँ का ये था सिर्फ। और आपको अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज करेगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, काम वगैरह के लिए भी मैं आपको वीडियो बनाता रहूंगा कंटिन्यू। तो अगर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो उसको सभी के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।